साथियों, उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। फल और सब्जियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत डाइवर्सिटी है। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। साथियों, आज सरकार का ये प्रयास है कि इनपुट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक एक आधुनिक व्यवस्था किसानों के लिए बने। छोटे इन्वेस्टर्स एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देश भर में एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी छोटे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। साथियों, आज भारत का बहुत अधिक हमारा फोकस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर है। छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग शुरू हो गई है। अब इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये नेचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं।